देखिए मैं कैसे शारदा के बैठी हूँ, प्रोग्राम के लोग आ गया है लेने, हम जा रहे हैं प्रोग्राम पे। गुड मॉर्निंग, आज सरस्वती पूजा है, सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। सुबह नहीं, अभी 10 बजने वाला है, पता नहीं कितना बजे, बारिश हो रहा है बाहर। और उठ के दरवाजा खोल के देखा, बिजली रानी नहा, बिजली ए बिजली ताका, और हसीना उधर से झांक रहा है, ए बिजली ताका। छोड़ा फिर बिजली ना आ रही है, आपको तो ना आने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना ठंडी लग रही है। माय गॉड, क्या करूँ तो करूँ, क्या करूँ सरस्वती पूजा में, क्या करूँ। फिर भी नहाना ही पड़ेगा, पूजा है, हम भी नहाएंगे अभी। मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, अभी जा रही हूँ बाजार पे। हमारे साथ है मेरा सहेली बिजली या रानी, और बाजार पे जाके थोड़ा पूजा के सामान खरीदना है, पूजा करना है, सरस्वती पूजा है। देखते रहिए हमारा ब्लॉग। मौसम देखिए कितना डरावना है, बहुत सुंदर। आज मौसम के तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत सुंदर सा एक मौसम है। देखिए पूरा धुआ धुआ है पीछे, चारों तरफ पूरा एकदम दिखाई दे रहा है, लग रहा है शिमला मनाली ऐसा ही कोई जगह पे, चाहे कश्मीर में आ गई हूँ। और टिप टिप बारिश भी हो रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, फिर टेम्पो में बैठ गई थी। देखो बिजली पे आगे आगे चल रहे हैं, और कितना कीचड़ है रोड पे, और उसमें हील पहन के आई है। ए बिजली तका, बिजली। ये जनता बाजार के एक फेमस दुकान है, भोला जी का मिठाई दुकान है, और यह भोला जी बहुत ही सुंदर मिठाई बनाता है। सब कोई आइएगा तो जनता बाजार मिठाई ज़रूर खाइएगा, सारे मिठाई मिलता है, जैसा मिठाई आपको चाहिए वैसा ही मिठाई मिल जाएगा। बहुत प्रकार के मिठाई बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, हम यही दुकान से मिठाई खाती हूँ। हो गया है बाज़ार घूमना और मिठाई ले लिया, और जो बैलून देख रहे हो बैलून दिया है भोला जी के दुकान पे। एक बच्चा था छोटा सा भाई, जो मेरे को दीदी दीदी बोलता है, तो वही मेरे को बैलून दे दिया। लेकिन अभी घर जा रही हूँ, और ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं किया, कुछ भी शॉपिंग नहीं किया, वो खाली पूजा के सामान था, मिठाई ये सब, और बैलून पाके तो मैं बहुत ही खुश थी। मैं जा रही थी रोड पे, फिर कोई बुलाया है तो वहीं पे भी गए थे, और सब कोई पूछ रहा था सोनी बहुत अच्छा रील बनाती हो, फिर ऐसा ही कुछ बोलते रहते हैं लोग, मुझे बहुत प्यार देता है। फिर टेम्पो में बैठ गई हूँ, टेम्पो में बैठ के फिर जा रही हूँ मैं रूम पे। और बाजार से आ गए रूम पे अभी, आते वक्त सब कोई बुला रहे थे, सोनी धरा, सोनी धरा सबसे बात की हूँ, और फोटो भी ले रहा था दो चार आदमी, बहुत ही अच्छा लग रहा था बाजार घूम के। और घूम नहीं पाई हूँ पूरा बाजार पे, बहुत कीचड़ था, तो थोड़ा सा पूजा के सामग्री लेके आ गई हूँ, अभी रूम पे हूँ, पूजा करूँगी। और एक बात है, मेरा दोस्त ने एक मुझे बहुत अच्छा साड़ी का गिफ्ट किया है, वो साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, साड़ी पहन के पूजा करूँगी, साथ में लिपस्टिक भी दिखाऊंगी, क्या क्या गिफ्ट किया है मुझे, देखते रहिए। हाय, मैं अभी तैयार होके बैठी हूँ, देखिए साड़ी पहन के, और ये साड़ी मेरा दोस्त ने गिफ्ट किया है, देखिए कितना खूबसूरत साड़ी है, कितना अच्छा है। देखिए साड़ी कितना अच्छा है, ये साड़ी मुझे मेरा दोस्त गिफ्ट किया है, और लिपस्टिक भी साथ में, कितना अच्छा कलर लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा कलर है, तो मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत ही सुंदर, मैं तो बहुत खुश हूँ साड़ी पहन के गिफ्ट मिला है मुझे। और प्रोग्राम के लिए भी लोग आया था बाहर में, बहुत ढेर सारे शाम को, तो मुझे ले जाने के लिए हम नहीं गए हो, क्योंकि मेरा प्रोग्राम बहुत दिन से पहले ही बुक था, तो हम नहीं जा पाए हो, वो लोग तो बहुत ज़बरदस्ती कर रहा था मुझे ले जाने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब कोई मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था, बोल रहा था जो सब कोई आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आपको रोज़ देखते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं तो बहुत खुश थी, अभी भी खुश हूँ। तो उन लोग के साथ मैं नहीं गई हूँ, और दूसरा पति के साथ मुझे जाना है, तो हम बैठी हूँ, बाय बाय, चलते हैं, अभी आ जाएगा लोग लेने के लिए मुझे प्रोग्राम से, हम चल जाऊंगी प्रोग्राम पे, और बाय बाय, कल दिखाऊंगी कल कहाँ कहाँ जाती हूँ,
इतना टाइम मेरा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद है सबको। ऐसा ही ब्लॉग देखते रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए और ढेर सारे प्यार दुलार देते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।